वेलकम बैक टू तो अनदर वीडियो ऑन द चैनल द ऑटो ज्ञानी तो जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल वगैरह देख समझा होगा कि आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंटरसेप्टर के लिए आपके पास कोई ऐसी, दस ऐसी के बारे में आज हम बात करेंगे जो आपकी इंटरसेप्टर पे इंस्टॉल्ड होनी चाहिए और ये एसेसरीज आपके काम में और ज्यादा आने वाली हैं अगर आपका काम टूरिंग का है मतलब अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है अपनी बाइक पे तो ये सारी एसेसरीज आपकी गाड़ी में मस्ट हैव हैं तो इन टॉप टेन एसेसरीज में पहले नंबर पर जो चीज इस गाड़ी में इंस्टॉल की गई है वो है सीट्स और ये जो सीट्स हैं ये ऑफिशियली इनफील्ड की तरफ से हैं और अगर आपको ये सीट्स चाहिए या कोई और ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो और ऑप्शन आपको आपकी लोकल मार्केट में मिल सकता है जहां पर आपके यहाँ सीट का काम वगैरह होता हो अगर नहीं भी होता है अगर आपको कोई कस्टमाइज सीट चाहिए तो हमारा जो स्टोर है लखनऊ में सुपर आइटर लखनऊ वहाँ से आप अपने लिए कस्टमाइज सीट्स बनवा सकते हो स्टोर का जो कॉन्टैक्ट इफॉर्मेशन है और इंस्टाग्राम हैंडल है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और इंस्टाग्राम से याद है अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस कर रहे हो या आने वाले वीडियोज मिस कर रहे हो वहाँ पर तो इंस्टाग्राम पे भी जाकर के फॉलो कर सकते हैं और अगर आप इस चैनल पे नए और ऐसे वीडियोस आपको पसंद है तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दूसरी ऐसी सीरीज़ की अगर हम बात करेंगे तो दूसरी ऐसी सीरीज में आती है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हाईवे पे उसका आपको काम दिखेगा वो है विंडशील्ड और विंडशील्ड की कॉस्टिंग अगर आप रॉयल इनफील्ड की लेते हो तो उसमें दो वेरियंट आते हैं एक जो विंडशील्ड का वेरिएंट आता है वो हमारा पंद्रह सौ रुपए का आता है जो शॉर्ट लेंथ का होता है और अगर दूसरा विंडशील्ड uh, का ऑप्शन बात करेंगे तो वो आता है अप्रॉक्सिमेटली सत्रह सौ अट्ठारह सौ रुपए का जीएसटी वगैरह इसमें जो होगा वो अलग से लगेगा उसके बाद जो कॉस्ट आएगी वो अलग होगी इसकी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है और अगर हम uh, जो इसके फोर uh, के ऊपर जो गेटर लगता है या जिसको हम शॉकर कवर बोल सकते हैं लेमन लैंग्वेज में उसकी अगर हम बात करेंगे तो साढ़े आठ सौ रुपये का रॉयल इनफील्ड का ऑफिशियल आ जाएगा वैसे अगर आप मार्केट में चेक करोगे तो जो ऑफिशियल इसमें एसेसरीज है इनफील्ड की उसके अलावा अगर आप मार्केट में चेक करोगे या मेरे को अगर अमेजन पे इनका कोई लिंक देखने को मिलेगा तो मैं वो आपको दे दूंगा आप जाकर के उस पर भी चेकआउट कर सकते हो तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा हो सकता है इस वीडियो की एडिटिंग के टाइम अगर मेरे को कोई प्रोडक्ट दिखेगा तो मैं उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा आप जाकर के अमेजॉन से चेकआउट कर सकते हो और डायरेक्टली अमेजॉन से ऑर्डर कर सकते हो वरना हमारा स्टोर जो लखनऊ में आप वहाँ से भी ले सकते हो और ये ऐसी सीरीज ऑफिशियली रॉयल इनफील्ड की भी आती हैं तो अगर हम चलें चौथी एसेसिरीज़ की तरफ तो वो है हमारा इंजन गार्ड जो कि एक बहुत ही ज, मतलब ज़्यादा ज़रूरी एसेसरीज़ में से आता है गाड़ी में आपको शोरूम से निकलने से पहले ही इसको इंस्टॉल करा लेना चाहिए इसकी अगर हम प्राइसिंग की बात करेंगे तो रॉयल इनफील्ड का जो इंजन गार्ड आता है लॉन्ग लेंथ का उसकी प्राइस है उनतीस सौ रुपये लेकिन मार्केट में अगर आप चेक करोगे तो आपको और कम प्राइसेज में भी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं और अगली एसीसिरीज़ की तरफ अगर हम चलेंगे तो संप गार्ड जो कि नीचे की तरफ़ लगाया जाता है जहाँ पर हमारा ऑयल फिल्टर लगता है वहाँ पर इसको लगाया जाता है और संप गार्ड का जो कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली आपको अट्ठारह का पड़ जाएगा अगर आप रॉयल इनफील्ड का ऑफिशियल हो गया आफ्टर मार्केट देखेंगे तो आपको और ब्रांड्स जो लोकली बना रहे हैं उनका और सस्ता आपको देखने को मिल सकता है अगली ऐसी सीरीज की तरफ अगर हम चलेंगे तो इंटरसेप्टर और जी में स्पेशली ये प्रॉब्लम आती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा आगे की तरफ झुक करके चलाना पड़ता है तो जो लोड आता है वो सारा का सारा शोल्डर पे और आपके बैकबोन पे आता है तो उस चीज़ से अगर आपको रिलीफ चाहिए अगर आपको कम्फी है तो तो फिर ठीक है लेकिन अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है या लॉन्ग टूर्स पर जाते हैं तो मेरे हिसाब से हैंडल रेजर्स जो है वो आपको लगवा लेने चाहिए हैंडल रेजर्स का जो कॉस्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली आपको हज़ार दो हज़ार रुपये के अंदर मिल जाएंगे और इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं आप जाकर के एक बार चेकआउट कर सकते हो अमेजन पे क्या प्राइस चल रहा है और हो सकता है उस समय कोई डील वगैरह हो तो ये आपको अच्छे प्राइस में देखने को मिल जाएंगे और अगली चीज़ की अगर हम बात करेंगे तो आती है आपकी रेडिएटर ग्रिल जो कि रेडिएटर को बचाने के लिए जगह जो अगर आप हाई स्पीड्स पे चल रहे हो या किसी उबड़ खाबड़ रास्ते पे आपका आना जाना ज़्यादा होता है तो अगर कोई पत्थर या गिट्टी उछल के आपके रेडिएटर ग्रिल पे आए तो वो उसको डैमेज कर सकती है और बीच टूर पे या बीच रास्ते में आप ये नहीं चाहेंगे कि आपके रेडिएटर में छेद हो जाए और रेडिएटर ग्रिल की अगर हम बात करेंगे तो आपको बारह से लेकर दो तक अच्छी क्वालिटी की रेडिएटर ग्रिल आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी आरी की जो ऑफिशियली रेडिएटर ग्रिल है उसका मेरे को कॉस्ट उस समय मिला नहीं जिस समय मैं शूट करा था, तो इसलिए मैं उसको मेंशन नहीं कर रहा हूं। आ, आफ्टर मार्केट आप, तो आपको से दो हजार ढाई हजार तक आरी की भी रेडिएटर ग्रिल आ जानी सैडल स्टे की अगर हम बात करेंगे तो उसमें एक आफ्टर मार्केट सैडल स्टे लगा हुआ है जो कि हमारे लखनऊ का और इसका जो सैडल स्टे पड़ा था वो अप्रोक्सीमेटली मतलब ये वाला जो सैडल स्टे पर्टिकुलर लगा है ये बारह सौ रुपये का है लेकिन अगर आप जाना वगैरह में जाना चाहते हो तो दो हजार रुपये तक आपको जाना का सैडल स्टे मिल जाएगा और सैडल स्टे का जो भी काम है जरूरी नहीं है कि वो जाना का लगेगा तभी आपका काम या आपकी नीड को पूरा करेगा वो लोकल ब्रांड्स में भी कभी आप देखोगे तो ब्रांडेड प्रोडक्ट से काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं लाइट की अगर मैं बात करूँ तो पर्सनली मार्केट में इस प्रोडक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब गंदगी फैली हुई है कई लोग इसको फ़ेक भी बेच रहे हैं इसका क्योंकि ये चाइनीज़ आइटम है और चाइना में आप इसकी वारंटी लेने जाओगे नहीं तो यहाँ पर नाइटाई का जो सीन है वो थोड़ा सा गड़बड़ है तो मैं इसकी श्योरिटी नहीं दे सकता हूँ कि आप जो अमेज़ोन पे या कहीं और अगर आप देखोगे तो वो आपको ओरिजिनल नाइटाई मिल रही है कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है लेकिन आ, हमारे पास स्टोर पे कुछ स्टॉक में अभी पड़ी हुई है जो ओरिजिनल नाइटाई का बल्ब है तो इसमें दो वेरियंट आते हैं इसमें जो लगा हुआ है ये सिक्सटीन का है उसमें कुछ कूलिंग का कुछ जो है वो चेंजेस हैं एक फ़ैन वाला वेरिएंट आता है और एक शायद इसमें पीछे वो पूरा लगा होता है जो कूलिंग सिस्टम होता है वो एक दूसरा सिस्टम लगा होता है उसका नाम मुझे अभी करेंटली याद नहीं आ रहा है तो नाइटाइक बल्ब जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आपको सोलह सौ का पड़ेगा और जिन लोगों को लगता है कि ये बल्ब बहुत महंगा मैं बता रहा हूँ तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि अगर सेम बल्ब आप फ़िलिप्स का लेने जाओगे विद वारंटी तो वो सेम बल्ब आपको पाँच हज़ार छः हज़ार रुपये का पड़ता है जो कि फ़िलिप्स का आएगा साल भर या दो साल की वारंटी होती है उस पर जी हाँ पाँच हज़ार छः हज़ार रुपये का एक हेडलाइट बल्ब जो कि आपको पड़ेगा फिलिप्स ब्रांड का वारंटी के साथ और आखिरी ऐसी सीरीज़ जो आपको काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है अगर आपका टूरिंग नहीं भी अगर आप शहर में भी हो तो ये ऐसी सीरीज़ आपको काम आती कभी कभारा में कहीं जाना पड़ता है और हमारा फ़ोन वगैरह चार्ज नहीं होता है लेकिन हमारा जाना बिल्कुल अर्जेंट होता है तो हम सोचते हैं कि फ़ोन का क्या करें या पावर सेविंग मोड पर डालते हैं या क्या करते हैं उस समय अगर आपका पावर बैंक आपके पास हैंडी नहीं है तो इतना सब लोड लेने की ज़रूरत नहीं है आप फ़ोन पर सिंपली एक मोबाइल चार्जर लगवा सकते हो और बाकी चार्जर्स और इस ब्रांड के चार्जर में डिफरेंस ये है इसका एक मैंने डिटेल वीडियो कर रखा है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए छोड़ दूंगा आप जाकर के एक बार चेकआउट कर सकते हो बाकी ये जो ब्रांड है ये एक लौता ऐसा ब्रांड है अभी इंडिया में जो अपने प्रोडक्ट्स पे वारंटी देता है पहला ऐसा मोबाइल चार्जर है इस सस्ते सेगमेंट में जो आपको एक साल की वारंटी देता है और इसका जो नॉन चार्जिंग वेरियंट है उस पर भी आपको वारंटी मिलती है तो इसके टोटल तीन वेरिएंट आते हैं डिटेल में अगर आप जाओगे तो डिटेल आप उस वीडियो में जाकर के चेक कर सकते हो प्राइसिंग के साथ अप्रॉक्सीमेटली आपको 1800 सौ दो हज़ार रुपये ढाई हज़ार रुपये तक आ जाता है अगर आप वायरलेस वाला लोगे तो शायद उसका प्राइस अभी मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं है अट्ठाईस सौ या शायद तीन हज़ार का आपको वायरलेस वाला वेरियंट आता है ये वाला जो वेरियंट है ये आपको बाईस सौ का अमेजोन पर आराम से मिल जाएगा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है तो आज की वीडियो में यही टेनेसेसरीज आप बताइएगा कि आप अगली वीडियो में कौन सी एसेसरीज या किस चीज़ पर वीडियो देखना चाहते हैं मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में टिल हैं ड्राइव सेफ ड्राइव हार्ट س <laughs>